क्या प्लान है तेरा? मैं तो अपनी किताबों से दूर ही रहूंगा। ए सूर्या, साथ चलना, साइकिल पे चलते हैं। वो नहीं आएगा रे, वो देख उसका बाप रिस्क रामलिंगम आ गया। चल चलते। क्या उन्होंने तुम्हें अपने साथ जाने को बोला क्या? हाँ, अगर तुम उनके साथ जाते तो वो तुम्हें ढाल वाले रास्ते पर लेकर चले जाते। तुम पत्थर से टकरा सकते थे और तुम्हें चोट भी लग सकती थी। बदतमीज, देखा, इन्हें बड़ों की इज्जत करनी भी नहीं आती। तुम स्कूल से सीधा घर आना, चलो। ये है मेरे बाबा रामलिंगम। वो हमेशा इस डर में रहते हैं कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। वो हमेशा एक ही चीज़ के बारे में बोलते रहते हैं कि इस चीज़ में क्या रिस्क हो सकते हैं, और इसलिए लोग उन्हें रिस्क रामलिंगम बुलाते हैं। मैं उनके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। सब लोग मंदिर के बाहर नारियल फोड़ते हैं, पर मेरे बाबा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं करोगे तो वो तुम्हारी आंख में भी लग सकती है। इसमें बहुत रिस्क है। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो। मेरी आई नहीं है, घर में मैं और बाबा ही रहते हैं। वो पूरा दिन दुकान में काम करते हैं और रात में घर आते हैं, यही उनकी दुनिया है। सूर्या, कल से तुम्हारी छुट्टियाँ शुरू हो रही है। मैं तुम्हारे लिए अगले साल की किताबें ले आया हूँ और मैंने तुम्हारी पढ़ाई का पूरा टाइम टेबल भी बना दिया है। अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखना और अच्छे मार्क्स लेकर आना, जिससे तुम्हारी भी किसी अच्छी बैंक में नौकरी लग जाए, फिर किसी अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी। समझ गए? तुम्हारी जिंदगी मुझसे भी अच्छी होगी। हर बच्चे को गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार होता है, पर मुझे नहीं होता है कि कब ये छुट्टियां ख़त्म हो और हमारे स्कूल जल्दी से खुलें। मुझे लगा ये साल भी ऐसे ही जाएगा, पर फिर मेरी ज़िंदगी में राजीव और भरत अंकल आए। संभाल के लेके जाना, समझ आ रहा है? और कोई नहीं है क्या? अरे कृष्णा स्वामी, क्या कोई रहने आ गया यहाँ पर? तुम्हें इससे क्या है? यह पुलिस वाले का घर है। पुलिस वाले का घर? बस ज्यादा मत बोलना। तुम्हारी बीवी बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है भैया, पर तुम कभी हमारे घर नहीं आते क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ। ये गलत बात है। बाबा, ये किसका घर है? ये है राजीव, वो मेरी क्लास में ही है। उसके डैड भारत कल्याण आईपीएस के रिटायर्ड सीबीआई ऑफिसर है। राजीव की छुट्टियाँ मेरी छुट्टियों से काफी अलग थी। राजीव, अगर तुम्हें फ्यूचर में एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना है तो तुम्हें अपनी छुट्टियों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। Come on, catch it, come on. I'm timing it. Go. जब भी मैं उन्हें देखता, भरत अंकल रोज कुछ ना कुछ अपने बेटे को नई चीजें सिखा रहे होते थे। हो गया डैड? 70 seconds. ये तो पहले वाले से भी पूरा है। 10 minutes on the plank punishment. Go. उनकी नई चीजें राजीव का तरीका मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। फास्टर डैड, मैं नहीं कर सकता, दर्द हो रहा है। वन सेकंड, देयर यू गो। डैड, दर्द कर रहा है। दर्द करने दो, प्रैक्टिस से दर्द पे भी काबू किया जा सकता है और उससे हराया भी जा सकता है। मैं तो एकदम हैरान ही था कि ऐसे भी बाबा होते। कम ऑन बेरिट, मूव। मैं भी ये सब चीजें सीखना चाहता था। फिर एक दिन जब उनके घर पे कोई नहीं था, घर से चुराने की हिम्मत कैसे हुई? क्या नाम है तुम्हारा? सूर्या। तुम तो बगल में रहते हो ना? हाँ अंकल। मैं जानता था कि एक रूबिक्स क्यूब मिसिंग है और मैं जानता था कि तुमने उसे लिया। अंकल, आई एम सॉरी, आप उसे रोज कुछ ना कुछ नया सिखाते थे, मुझे भी पसंद आया तो मैं यहाँ उसे लेने आ गया। खेलो। नहीं नहीं अंकल, नहीं चाहिए, मैं इसे सॉल्व करना सीख गया, बस मेरे बाबा को मत बताना। सीख गए हो? हाँ। राजीव का भैया, ये तुम दोनों इसे एक बार में सॉल्व करना, और विनर वो ये 5-star। I'm timing it. Go. सूर्या ने तुमसे पहले किया 45 seconds. Girl, the chocolate is yours.
थैंक यू अंकल। क्या तुम और कुछ सीखना चाहते हो? यस अंकल। अब तुम्हें क्या हुआ? मुझे पसंद नहीं, मैं आपसे कुछ भी सीखना नहीं चाहता। राजीव, What's your problem? मैंने एक मिनट में फिनिश किया था, पर आपने मुझे कभी शाबाशी नहीं दी और आपने उसे चॉकलेट दे दी। क्या मैं आपका बेटा नहीं? आप बस मुझे ही सिखाते थे। मैं जो करता हूँ तुम्हारे भले के लिए करता हूँ। तुमने आखिरी बार रूबिक्स क्यूब 62 सेकंड्स में कंप्लीट किया था? पिछली गर्मियों की छुट्टी में। पर आज तुमने बस 53 सेकंड्स में कंप्लीट किया है। तुम जानते हो कि इसे इतनी जल्दी क्यों सॉल्व कर पाए? कॉम्पिटिशन। अब तक तुम अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे थे, पर जैसे ही तुम्हारे सामने चैलेंज आया, तुम बिना जाने सोचे समझे उसे जल्दी सॉल्व करने लगे। पर डैड, लिसन टू मी, जब मैं सर्विस में था उन्होंने मुझे 13 बार मारने की कोशिश की। आई गॉट अ बुलेट हियर। मैं मरने वाला था, मुझे अभी भी मरने की धमकी मिलती है, इसलिए मैं हमेशा अलर्ट रहता हूँ, क्योंकि हम पे बंदूक चलाने वाले लोग हमसे ज्यादा होशियार और ताकतवर भी हो सकते हैं। जिस दिन तुम पुलिस फोर्स में ज्वाइन करोगे, अगर तुम्हारा दुश्मन सूर्या की तरह हुआ तो क्या तब भी तुम रोते हुए मेरे पास आओगे और फिर तुम उसका सामना करके उसे हराओगे? मैं उसे हराऊंगा डैड। दैट्स माय बॉय। राजीव, ये लो, आधा तुम ले लो। राजीव, गिव इट बैक, गिव इट बैक। प्राइज जीतने पे ही मिलता है, जीतने पे ही। अगर तुम्हें हारने पे प्राइज मिला तो तुम जीतोगे कैसे? ओके, अब ध्यान से सुनो। आज से तुम दोनों एक साथ ट्रेनिंग करोगे। कमांडो ट्रेनिंग में इसे बड़ी पेयरिंग कहते हैं। ये अकेले ट्रेनिंग से ज्यादा अच्छा है, और इसकी सबसे जरूरी बात, एक दूसरे के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। याद रखना, ट्रेनिंग में तुम दोनों दुश्मन हो और बाकी टाइम बेस्ट फ्रेंड्स, बडीज। यप, शेक योर हैंड्स। दैट्स इट। अगर तुम मेरे जैसे काबिल पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ट्रेनिंग करनी होगी, जिसमें से सबसे जरूरी है फोटोग्राफिक मेमोरी। ये ऐसा है कि किसी भी जगह या सीन की तस्वीर दिमाग में फोटो की तरह छप जाना। चलो अब दोनों अपनी आंखें बंद करो, हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी का टेस्ट लेते हैं। रास्ते में तुमने क्या क्या देखा जरा बताओ तो। कॉर्न स्टॉल, फ्रिटर स्टॉल और कैरेट स्टॉल। अरे सूर्या, तुम स्वेटर शॉप भूल गए। और स्वेटर शॉप। तुम जानते हो एक पुलिस वाला क्या कहता? मेरे पीछे देखो, एक 40 साल का आदमी फ्रूट स्टॉल के सामने केला खा रहा है, चाय वाला 5 ग्लास में चाय भर रहा है। स्वेटर शॉप में एक औरत अपनी बेटी को पिंक कलर की शॉल पहना रही है। फ्लावर शॉप वाली पीले फूलों को रख रही है। व्हीलचेयर में बैठी औरत प्लम्स खरीद रही है। यह एक बजाज स्कूटर है, TN43140 है। एक मारुति 800 भी है, TN376823। वाओ, सुपर अंकल। सूर्या, जिस औरत ने 5 प्लम्स लिए है, तुमने ध्यान दिया कि उनमें से एक सड़ा हुआ है? वाओ, क्या बात है अंकल, ये तो मैजिक है। देखने वालों को ये मैजिक ही लगेगा, पर ध्यान और बहुत ट्रेनिंग से कोई भी मैजिशियन बन सकता है। मेरी बातों को अच्छे से सुनना, बिना कोई सवाल पूछे अच्छे से ट्रेनिंग करके तुम भी मैजिशियन बन सकते हो। क्या तुम दोनों तैयार हो? रेडी अंकल। रेडी डैड। तुम्हें ठंड लग रही है? नो डैड। प्रकृति, तुम्हें प्रकृति को अपना साथी मानना चाहिए। सीन पे पहुंच के क्या ढूंढती है? मर्डर वेपन, फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट, शू प्रिंट, टायर मार्क, ब्लड स्टेन एंड फाइनली द इंटेंट। देयर यू गो। दादी ने प्रॉन करी बनाई है। ए राजीव, ए राजीव, राजीव। हेलो अंकल, राजीव प्रॉन्स खाने के बाद बहुत खांसता है। सीफूड से एलर्जी है, वो जानता है उसकी जान भी जा सकती है। आसपास के मेडिकल स्टोर से एलेग्रा की दवाई मिल जाएगी। एलेग्रा।
गेटअप ओके है ना सर? गेटअप तो ठीक है, पर सल्यूट से पता चल गया। सॉरी सर। मेरा बेटा राजीव और उसका दोस्त स्कूल से किसी भी वक्त आ सकते हैं। ऐसा दिखना कि तुम पुलिस ऑफिसर नहीं हो। यू आर पिक पॉकेट। सर, पिक पॉकेटर बनने का नाटक करना है सर। तुम्हें बस स्टैंड के सामने पिक पॉकेटर जैसे बिहेव करना है। देखते हैं वो बच्चे क्राइम होने से पहले क्रिमिनल को पकड़ते हैं कि नहीं। बच्चे ऐसे कैसे कर पाए? हेलो, उन बच्चों को कम मत समझना, मैंने उन्हें ट्रेन किया है। सर, राजीव बहुत होशियार है सर। वो आईटी इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता है, अगर उसे अभी से ट्रेनिंग दी गई तो अच्छा होगा। क्यों, सिर्फ होशियार लोग ही डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं? क्रिमिनल्स भी दिन प्रतिदिन होशियार होते जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए कोई तो चाहिए ना। नाउ गो टेक योर पोजीशन। श्योर सर। ए राजीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है बारिश होने वाली, चलो। ठीक है, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। मैं उस लड़की को क्या दिया? तुम इतनी बड़ी लड़की के साथ घूम रहे हो? लड़की के पेरेंट्स नहीं है, मैं बस उसकी मदद कर रहा था। क्या बात है। हाय, आप यहाँ क्यों अंकल? हर चीज का एक रीजन होता है। आज हम तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी का टेस्ट लेंगे। मैं तुम्हें 10 सेकंड्स देता हूँ, आसपास अच्छे से नजर रखना और फिर मैं सवाल पूछूंगा। ओके, I'm timing it. Go. That's it. क्या तुम्हें यहाँ आसपास देखने पर कुछ अजीब दिखाई दिया? ऊंची जूते सिल रहा है, एक आदमी बीड़ी पी रहा है, एक बूढ़ा आदमी काला छाता लेकर खड़ा है, और मैं समझ गया डैड, वो ब्लैक जैकेट। सब लोग बस का इंतजार करके रोड की तरफ देख रहे हैं, पर वो आदमी सामने वाले के पॉकेट को देख रहा है। वो पिक पॉकेटर है डैड। वंडरफुल, आज तो चॉकलेट तुम्हें मिलते हैं। क्या हुआ सूर्या? वो अंकल, मैंने भी वो चीज नोटिस की जो राजीव ने बताई, पर उसका कोट एक साइड से 2 इंच नीचे है और उसकी पॉकेट भरी हुई है। उसने जरूर कुछ भारी चीजें रखी है, जैसे गन। मैंने गेट के सामने पुलिस की बाइक देखी, उसकी मूंछ और बात का कट। पुलिस, वो एक पुलिस ऑफिसर है, वो आपका दोस्त है। क्या आपने उसे इस गेम का हिस्सा बनाया? अनबिलीवेबल सर, वो बच्चा है कौन? उसका नाम सूर्या है, यही बगल में रहता है, बट ही इज नेचुरल। जो मैंने अपने बेटे को 1 साल में सिखाया वो उसने 2 महीने में ही सीख लिया। अगर वो पुलिस एकेडमी ज्वाइन करता है तो उसकी रैंक मेरे बेटे से ऊपर होगी, इतना टैलेंटेड है वो। Hey, टाइम क्या हुआ? बाबा, वो भरत अंकल हमें फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में सिखा रहे थे। फोटोग्राफर मारी? क्या ऊटी में वो कोई स्टूडियो खोलने वाला है? तुम हमेशा उसके साथ घूमते रहते हो, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। भरत अंकल ऐसे नहीं है, वो एक काबिल ऑफिसर है, वो हमें भी वैसा बनाएंगे। थप्पड़ मारूंगा, पागलों जैसी बात कर रहा है। पुलिस, क्या वो ये चाहता है कि तुम भी उसी की तरह लंगड़े हो जाओ और हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर बैठो? आज के बाद उसके घर जाना बंद। अच्छे से सुन लो, मैं तुम्हारे मुंह से पुलिस शब्द भी नहीं सुनना चाहता, नहीं तो मैं तुम्हारा नाम कटवाकर अपनी दुकान पर लगवा दूंगा तुमको। ओ, तो तुम मेरी रानी के पीछे हो? तो अब तुम क्या करोगे? सूर्या, चाहे कुछ भी हो जाए तू मेरी रानी को टच भी नहीं कर सकता। चेक, अब तुम कहाँ मूव करोगे? चेकमेट। राजीव, डैड मुझे बुला रहे हैं, मैं अभी आया। सूर्या! डैड! सूर्या, देखो कोई मेरे डैड को चाकू मार के भाग गया। डैड, उठो डैड, डैड, सूर्या, कुछ करो। वो एक सीबीआई ऑफिसर है, 4-5 आदमी वहां घुसे और उन्हें मार दिया। हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब मी। हमें अपना काम करने दीजिए। सर सर, हमें जाना है सर। सर, अपनी औकात में रहो, बैठ जाओ, बैठो। बेटा, कौन हो तुम और उस घर में क्या कर रहे थे? सर, मैं इसका पड़ोसी हूँ, राजीव और मैं चेस खेल रहे थे, मैं वहाँ जाते रहता हूँ। हमेशा जाते हो, क्यों? भरत अंकल हमें पुलिस ट्रेनिंग दे रहे थे। पुलिस ट्रेनिंग, ये क्या बोल रहे हो, अच्छे से बताओ। सर, आपने उन लोग को जाने दिया और अभी तक आपको कोई एविडेंस तक नहीं मिला और आप हमें इंटरोगेट कर रहे हो? ज्यादा मत बोल, हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की? लॉकअप में बंद करके हड्डियां तोड़ दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, माइनर्स को पुलिस स्टेशन में लाना ही गलत है। अभी बताता हूँ, फिर पता चलेगा।
मेरा बेटा कुछ नहीं जानता, उसे जाने दो सर। ये मुझे रूल समझाएगा? पुलिस ट्रेनिंग मिली है, मतलब हम क्या यहाँ फालतू बैठे हैं? सर वो सच बोल रहा है, हमें क्राइम सीन पे ले चलो, हम आपकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगे। पागलों जैसी बातें मत करो बेटा। सर वो इन कार्ड से मैथ सीखता है, मुझे मैथ्स नहीं आती तो इसीलिए उनके घर जाता था मैथ सीखने के लिए। सर मैंने पूरी जिंदगी कभी गलत काम नहीं किया, हम उसके पड़ोसी हैं, हम और कुछ नहीं जानते। पर बाबा हमने कार को जाते हुए देखा है। तू कुछ नहीं जानता, चुप बैठ एकदम। सर मैं अपने बेटे को पुलिस स्टेशन में नहीं देख सकता, प्लीज मुझे जाने दो, इसे जाने दो। कृष्णा स्वामी बताओ ना इनको। सर ये किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ता, ये बस अपने काम से काम रखता है। ये कोई आम मर्डर केस नहीं है, हाईली सेंसिटिव पुलिस मर्डर, डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि क्रिमिनल को जल्द से जल्द पकड़ कर कब्जे में लेना है। उनकी कार उसी गली में इलेक्ट्रिक पोल से टकराई और वो लोग कार छोड़कर भाग गए, बस इन दोनों ने ही उसे देखा है और इसीलिए पुलिस को इन बच्चों की जरूरत है क्रिमिनल को पहचानने में। सुनो सर, इनका एड्रेस और फोन नंबर लिख लिया है? यस सर। जब भी हम बुलाएं तुम्हें अपने बेटे को लेकर आना होगा, समझे? ठीक है सर, ठीक है। जाओ बाबा। बाबा राजीव का क्या? बाबा राजीव का क्या? चल बाबा, राजीव मेरा दोस्त है। भैया रुको भैया। क्या भैया, तुम अपनी पूरी जिंदगी मुसीबत से बचते रहे और अब तुम पहली बार इतने मुश्किल केस में फंसे हो? इंस्पेक्टर अजीब आदमी है, ये के जरूर किसी बड़े मकाम पे पहुंचने वाला है, ये खूनी अभी भी आजाद घूम रहा है। भैया मैं कुछ कहूँ, ये बच्चा माइनर है, इसके खिलाफ अभी तक कोई FIR नहीं है, ज्यादा मत सोचो, ये शहर छोड़ के चले जाओ। आया सर। जल्दी चल, कन्वर्ट जल्दी से बैठ जा। बाबा रुको रुको बाबा, अगर हमने 6 घंटे के पहले एविडेंस जमा नहीं किया तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। बस 10 मिनट के लिए मुझे उसके घर ले चलिए, मैं पता लगा लूंगा कि अंकल को किसने मारा। तू पागल हो गया क्या? जरा सोच, अगर उन लोगों ने तुम्हें मारा होता तो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि उसके घर मत जाना। सूर्या मेरे जीने की वजह बस तू ही है, बस तू ही मेरा सब कुछ है। भूल गया कि बाद में क्या हुआ था? वो किसी गांव वाली की लड़ाई में शामिल हुई थी और मर गई। लड़ाई तो बंद हो गई पर हमारा परिवार सड़क पर आ गया था। हम लूटी करो लूटी इसलिए आए ताकि हम उन सब यादों को भूल पाए, और अब तुम भी किसी चीज में फंस गए हो। हाँ मैं तुम्हें कैसे समझूं, मेरा तो सर फटा जा रहा है। ऐसा करो मुझे बस 10 मिनट के लिए वहां लेकर जाओ। अगर तू ऐसा बोलता है तो मैं खाई में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। बाबा बाबा प्लीज बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगा बाबा, प्लीज बाबा आप मत जाओ, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, प्लीज बाबा। तू मुझसे एक वादा कर कि तू कभी पुलिस वाला बनने की नहीं सोचेगा, अपनी जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लेगा। वादा कर तू ये सब करेगा, वादा कर वैसे ही जिएगा जैसे मैं चाहता हूँ। बाबा को जिंदा देखना है तो वादा कर, वादा कर बेटा। वादा करता हूँ। हमारा पासपोर्ट वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारा पासपोर्ट वापस करो, वापस करो, हमारा पासपोर्ट वापस करो, हमारे पासपोर्ट वापस करो। तमिल इमिग्रेंट कमजोर नहीं, तमिल इमिग्रेंट कमजोर नहीं, तमिल इमिग्रेंट कमजोर नहीं, तमिल इमिग्रेंट कमजोर नहीं, हमारे पासपोर्ट वापस करो, हमारे पासपोर्ट वापस करो, हमारे पासपोर्ट वापस करो, हमारे पासपोर्ट। जरा रुको, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? भैया हम 150 लोग हैं यहाँ पर, 3 महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं, अब तक पैसे नहीं मिले और खाने को खाना भी नहीं देखते, घर जाना जा भी नहीं सकते, ये लोग पासपोर्ट भी ले लिए हैं, भूखे फिर रहे हैं अनाथों की तरह हम यहाँ पर। हमें हमारे पैसों की चिंता नहीं है, हमें तो अपना पासपोर्ट वापस चाहिए ताकि हम कम से कम अपने घर तो जा सके। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम ऐसे ही रोड पर बोर्ड को लेकर नहीं उतर सकते, ये हमारा देश नहीं है, तुम्हें जेल भी हो सकती है। अरे तुम सबके पास पासपोर्ट भी नहीं है और तुम यहाँ तमाशा कर रहे हो? जानते हो मुझे यहाँ ईश्वर मूर्ति तमिलनाडु ने भेजा है, हम इस बारे में सोचेंगे। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया, कंपनी का नाम है येलोस्टोन कंस्ट्रक्शन, ओनर चाइना का है, वो कह रहा है उनका वर्क परमिट पहले ही कैंसिल हो चुका है, वो जब तक चाहे वहाँ काम कर सकते हैं। सर वो झूठ बोल रहा है ताकि उन्हें कहीं और नौकरी ना मिल जाए। हाँ मैं जानता हूँ, पर कोर्ट में ये साबित करने में महीनों लग जाएंगे,
आप सबको जो कागज दिखता है आप उस पर साइन कर देते हैं और अपने पासपोर्ट दे देते हैं। जब प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास आते हो। सॉरी गणेश, बिना ओनर की मदद से मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। सर, वो साले उनसे बात करने के लिए जाते हैं पर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उनको कुत्तों की तरह भगा देते हैं। हमें आपसे उम्मीद है सर, प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज सर। ऐसी पुलिस की क्या जरूरत जो हमारे काम ना है? इसका बाप जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, वो उसे आखिरी बार देख पाएगा यानी ये भी नहीं जानता है ये बेचारा। मेरी बीवी की ड्यू डेट आ गई है, मुझसे पूछती है कि हॉस्पिटल का पेमेंट क्यों नहीं हुआ, बताओ उसे क्या बताऊं मैं? अपनी हालत भी नहीं बता सकता मैं उसको कि ऐसा हो रहा है। आपको क्या मालूम, मरना चाहता हूँ मैं तो बस। hey, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ रहा हूँ ना, भरोसा रखो। जगह हम इमिग्रांट्स भी यहाँ के नागरिक हैं, अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए हम जरूर लड़ेंगे। नन्ही शैतान, तुम भी ना, तुम सीसीटीवी कैमरा से कैसे बच के आई? वो सीक्रेट है, आप डर गए ना, है ना? बिल्कुल भी नहीं, बच्चों को अच्छा लगता है जब बड़े डरने का नाटक करते हैं, तो देखा मैंने तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया। बेवकूफ तो आप बने थे। जुबान लड़ाती हो, मेरे बेटे को आने दो, उससे बोलकर तुम्हारी पूरी टेल कटवाता हूँ। कल से हम शाम को ही दुकान बंद कर देंगे। अंकल, आपके बेटे ने ही मुझे आपको डराना सिखाया है। सूर्या अंकल आज जल्दी नहीं आने वाला, वो हमारे कुछ लोगों को पासपोर्ट की प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए वो पुलिस स्टेशन गया होगा। मेरा बेटा पुलिस स्टेशन में? हेलो सूर्या, कहाँ है? दिवाली आने वाली है ना, तो मिठाइयों के बहुत सारे ऑर्डर आए हैं, तो मैं होलसेल में दूध खरीदने आया था। क्या हुआ बाबा? दूध? वो पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम हो गई ना, और सारे लोग वहीं पर गए थे, और उनमें से एक आदमी ने मुझे बोला था कि तुम भी वहीं थे। पुलिस स्टेशन? मैं वहां क्यों जाऊंगा बाबा, तो रिस्की। सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बिना वजह डिस्टर्ब किया। तो इस साल की स्पेशल मिठाई कौन सी है? हलवा बाबा। सुपर। देख, वो दूध खरीदने गया हुआ है, वो मेरा बेटा है, मैं उसे पाला है, वो रिस्क वाला काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें उसके बारे में एक बात बताता हूँ, वो बचपन से ही ना बिल्कुल समझदार था, वो कभी गलत रास्ते पर चल ही नहीं सकता। लड़ाई में नहीं पड़ता क्योंकि वो जानता है कि उसमें रिस्क है बहुत ज्यादा। सूर्या, मैंने शीशा टूटने की आवाज सुनी। वो उसके दांत थे, अपना जीपीएस ट्रैकर चेक करो जल्दी। ए, ये आसान नहीं है यार, बस दो ही तो बटन है उसमें, एक स्पेस बार और दूसरा एंटर, तुमसे इतना भी नहीं होता क्या? ओ, ठीक है, हाँ हो गया। किधर जाऊं, राइट या लेफ्ट? राइट। सुन, लॉकर रूम कहां पर है बोल। सामने चलते रहो, लॉकर सामने ही है। ओके। जगन, क्या हुआ? मुझे भूख लगी यार। हाँ, मैं भी कौन सा बिरयानी खाकर पेट भरकर यहाँ पर पड़ा हूँ। हरामी,
बंदा यहाँ पर सो रहा है और ऊपर से कचरा फेंक के जाता है साला। जग्गा, मुझे एक डाउट था। क्या है रे? तुम जानते हो कैसे लोगों ने चेन्नई बाढ़ पीड़ितों में खाना दिया था? ऐसा है क्या? वैसे ही किसी ने दया करके हम पर खाने का पैकेट फेंका हो। प्लास्टिक कवर है रे, फूड पैकेट समझे साला। ए, इसमें तो पासपोर्ट है। आराम से शांति से। आराम से शांति से। रुको दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ। दे रहा हूँ। लूटो मत भाई, इसमें पासपोर्ट है यार, अब हम सब नौकरी कर पाएंगे। ये नाचने गाने वाले कितना तमाशा करते हैं, वो यहाँ काम करने के लिए आते हैं ना समझ। क्या हुआ बाबा? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बुरा लगेगा। बताइए तो बाबा। तुम्हें पता है क्या, किसी ने उनकी कंपनी में घुसकर पासपोर्ट चुरा लिए। हाँ बताया, सर भी क्या कहते हैं। क्या? जब कोई ऐसे करता है तो उसमें उसकी गलती नहीं होती, उसकी परवरिश की होती है, उसका नाम किसी काम का नहीं होगा। क्या तू समझा नहीं, उसका बाप सच में नाकारा ही होगा। क्या तू हंस रहा है? तुझे हंसी आ रही है? तुझे लगता है सर्वे गलत है? नहीं नहीं, मैंने वैसा तो नहीं कहा। तो हो ना। किस चीज पे? कि उसका बाप नाकारा ही होगा। हाँ मैं मान रहा। ठीक है। कौन है? चोलन सुपरमार्केट डिलीवरी। मैं गेट खोलती हूँ, टीवी के पास में रख देना। ठीक है। मैं नहीं जानती मैं क्या करूँगी, मैं बस वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। बस मुझे पेपर 2 दिन में देने हैं। मुझे ये इम्पोर्टेंट रिसर्च मटेरियल डाउनलोड करना था, पर ये कह रहा है कि इसे डाउनलोड करने के लिए मुझे 10,000 सिंगापुर डॉलर देने पड़ेंगे। मैंने इसको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस किया है, पर ये कह रहा है एक्सेस डिनाइड। ये कह रहा है रोबोटिक इम्प्लांट सर्जरी एडवांस कोर्स है। क्या गरीब लोग ये एडवांस कोर्स नहीं कर सकते? मैं क्या एक इमिग्रेंट स्टूडेंट हूँ जो अपने फ्रेंड के साथ रह रही है? मेरी माँ ने घर गिरवी रख के मेरी पढ़ाई की है और लोन लिया है। मैं उनसे नहीं बोल सकती, मुझे रिसर्च पेपर के लिए अलग से 5 लाख देने होंगे। मैं क्या करूं? Can I talk? तो अब आप हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, आप लोग हमसे अलग होना चाहते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये देखिए, कई सालों से चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है, लेकिन अब वो बराबर है। दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री इंडिया ही रहेगी, और वैसे भी आप एक्सपोर्टिंग देश हैं, लेकिन इंडिया इंपोर्टिंग देश है। आप चाइनीज कुछ भी बनाएंगे और हम इंडियंस उसे खरीद लेंगे। लोग 20 रुपए की चीज के लिए भी 200 रुपए देंगे, अगर उस चीज पर फॉरेन लेबल हो वो उसका 2000 रुपए भी देंगे। ऐसे मार्केट को छोड़ना चाहेंगे? चाइनीज एप्स को बैन करना, इंपोर्ट्स बैन करना, एंटी चाइना मूवमेंट, इन सब के पीछे एक नाम है, अरुंधति मोहन, India's foreign affairs minister. But your company cannot stop her, and you're not able to bribe her. Wouldn't want to incur any more losses. क्या? इतने सालों से हमने ministers को खरीदा है ना? सुनो, India की बात करें तो 40 साल में एक बार ऐसा politician आता ही है। उसके चक्कर में क्या हम अपना 100 साल पुराना business बंद कर देंगे? मेरे पास एक solution है, देखिए। Japanese businessman Ho Chin, जो car crash में मारा गया। अमेरिकन जर्नलिस्ट मारिया, सुसाइड किया था। बॉलीवुड एक्टर शाहुल अपने ही स्विमिंग पूल में मरा हुआ पाया गया। और ऐसे ही बहुत सारे केस हैं। पर यहाँ की पुलिस का कहना है कि ये सारे केस या तो एक्सीडेंट्स थे या सुसाइड। पर अंडरवर्ल्ड सब जानता है कि ये सारे काम बस एक इंडियन ने किए। Thank you.
ऐसा रहेगा अगर इन्हीं केसेस की तरह एक दिन किसी को खबर हुए बिना आसानी से अरुंधति मोहन भी मारी जाए। This is $100 billion business. I want to call for a voting. Who doesn't want to hire him? And who wants to hire him? मेरे रिसर्च पेपर पूरे हो ही गए, मुझे बस इसे टाइप करके सबमिट करना है। कॉन्ग्रेट्स दी, अब तो तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारी मम्मी कितनी खुश होगी। पर तुमने किया कैसे? मुझे भी नहीं पता। चोजन सुपरमार्केट कोई डिलीवरी के लिए आया था, मैं उदास थी तो और फोन पे बात कर रही थी तो मैंने उसे अंदर बुला लिया, पर मेरा लैपटॉप ऑन था। पर जब मैं अपना मुंह धोकर वापस आई तो सब पेज खुल गए। मुझसे झूठ बोलोगी? साफ साफ सच बताओ। सच में भगवान की कसम, खुद ही देख लो, उसने स्टिकी नोट भी छोड़ा है। तुम जैसे लोगों को मेडिसिन के बारे में जानना चाहिए। सो स्वीट दी। ये ठीक नहीं है, मेरी थीसिस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, ना इसकी ना उसकी, तो सिर्फ तुम्हारी मदद क्यों? वो लकी होगी, छोड़ ना। नो चांस, वो जरूर हैकर होगा। रिसर्च पेपर का एक्सेस मिल जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। 1 kg lentils, यहाँ है क्या? ये क्या लिखा हुआ है? Hey, सूर्या, क्या हुआ? एक डिलीवरी करने में तूने इतना टाइम लगा दिया। मुझे तुमसे बात करनी है। अबे तू आवाज बदल के क्यों बात कर रहा है? तुम मेरे घर आए थे मेरी दोस्त के लिए। uh-huh. तुमने मेडिकल रिसर्च पेपर को हैक किया। किसने? इसने आपको बताया क्या? देखिए मैं तो दुकानदार हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि आप किसी गलत जगह पर आ गई हैं। राइटिंग, मैं जानती हूँ तुमने ही किया है, प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं एक बात साफ साफ कहता हूँ, मैं वो नहीं जिसे आप ढूंढ रही हैं। आपको राइस चाहिए तो खरीद सकती हैं, ऑयल चाहिए तो वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, लेकिन आपका ये हैकिंग वैकिंग मुझे नहीं आता है मैडम। ये सब करना गलत होता है। किसी ने दिन रात मेहनत करके पैसे खर्च करके रिसर्च के पेपर बनाए हैं और वो सब आपको फ्री में चाहिए? ये सब कानून के खिलाफ है और वैसे भी इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। मैं ही खड़ी हूँ, तुम्हें जोर से बोलने की जरूरत। दुकान बंद करने का टाइम हो गया, आपको जाना चाहिए। तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे? जब वो कह रहा है कि उसने नहीं किया तो क्यों पीछे पड़ी हुई हो? चलो जाओ। सूर्य देख, मैंने कहा था ना इसकी देखभाल अच्छे से नहीं की, इसका बाप भी किसी काम का नहीं। अरे वो जवान लड़की है, उससे गलती हो गई, तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अबे पागल हो गया है तू? वो दुकान पे आई और मुझ पे चिल्ला कर गई और तू चाहता है कि मैं कुछ भी ना करूं? बस देखता रहूंगा, मैं उसे देख लूंगा, आने दे उसे, बताता हूँ मैं। बाबा हम पहले से ही बहुत मुसीबत में हैं। देख 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 वो आ गई, वो है। देख ज्यादा मत चिल्लाना, उसे मारना मत। अश्विता मैडम, आपके रिसर्च पेपर का टॉपिक क्या है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? अपने रिसर्च पेपर का काम खुद कर सकती हूँ। मुझे अश्विता मैडम प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज मैं मदद कर सकता हूँ। जाने को बोल दो। अश्विता मैडम सुनिए, अश्विता अश्विता मैडम मेरी बात तो सुनिए, मुझ पे भरोसा कीजिए, बस अपना रिसर्च टॉपिक बता दीजिए एक बार। अरे जरा रुकिए तो प्लीज, मैंने तुम्हारी मदद की है ना, तुम मुझे बताओ। चुप कर, बता दो प्लीज, बता दो। ए रुक, तू पागल कुत्ते की तरह उस लड़की का पीछा क्यों कर रहा है? तू सच में जानना चाहता है ना? ए अब सैलरी टाइम पर मिल रही है ना? हाँ। गणेश भैया कैसे हैं आप? सब बढ़िया। आपके बच्चे कैसे हैं? सब अच्छे हैं। वो वही कंप्यूटर यूज कर रहे हैं जो आपने उसे दिया था, वो हमेशा आपकी बात करती रहती है चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे जॉब मिल गई है, ये देख गैस एजेंसी में काम कर रहा हूँ। थैंक्स यार। नो प्रॉब्लम, कोई भी जरूरत हो तो मुझे बोल देना बस। देख लिया तूने, मुझे लोगों की मदद करने में मजा आता है। वो लड़की मेरे पास मदद मांगने आई थी लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया ना? क्या ऐसा लगता नहीं कि तू उसकी मदद के लिए कर रहा है? ऐसा लगता है तुझे उसकी जरूरत है। टाइम वेस्ट मत कर, ये काम नहीं करने वाला, वो तुझसे बहुत गुस्सा है, चल काम करते हैं। मेरा तो कुछ और ही प्लान है। क्या प्लान है? नमस्कार, देखो अश्विता मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम मुझे रिसर्च का टॉपिक नहीं बता रही थी और इसीलिए मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी के 10 साल के रिसर्च के जितने भी पेपर्स थे सब डाउनलोड कर लिए। सच में डाउनलोड कर लिए?
तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जो भी चाहिए तुम सब ले सकती हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात, ये लिंक एक घंटे के बाद एक्सपायर हो जाएगी। जल्दी करो। नो, श्वेता, हमारी थीसिस ना टॉप 3 रैंक में आई है। ये सरप्राइज। थैंक यू। केक ने भी मुझसे बात की लेकिन आपने नहीं की। ओके फाइन। फ्रेंड्स फ्रेंड्स from Singapore? No, India से। ओह, यहाँ turbulence बहुत होता ना? Okay। क्या अंदर वाले ने कुछ हलचल की? की? Actually, मैंने अभी तक चेक नहीं कराया है। मैं यहाँ छुट्टियों के लिए आई हूँ और स्कैन भी करा लूंगी। इंडिया में ये कानून के खिलाफ है, पर सिंगापुर में ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या चाहती हैं? लड़का या लड़की? लड़की ही। और मैं इसका नाम अमाया रखूंगी। क्या होगा अगर वो लड़का हुआ तो? लड़का हुआ तो इट्स ओके, मेरा ही बच्चा होगा। ये बात आप इतने दुख से क्यों बोल रही हैं? अयो, लड़का हुआ तो मैं उसका नाम आकाश रखूंगी। आप खुश? मैं भी अपने जेंडर के लिए लड़ूंगा। क्या आप अकेले ट्रेवल करती हैं? हाँ। तो मे आई ड्रॉप यू समवेयर? नो इट्स ओके, आई कैन मैनेज। नाइस मीटिंग यू। आप यहाँ रुकी हैं? हाँ, बस एक्चुअली 2 दिन के लिए। स्कैन सेंटर पास में ही है और मेरी शाम को अपॉइंटमेंट भी है। तो आज शाम को पता चल जाएगा कि आकाश होने वाला या माया। अब तो मैं भी जानने के लिए बेसब्र हूँ। इफ यू डोंट माइंड, क्या आज रात हम डिनर के लिए मिल सकते हैं? आप रिजल्ट तब बता सकती हैं। श्योर, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, शाम 8 बजे लॉबी में मिलते हैं। हाँ ठीक है, अब आयो तो तुम्हारी ट्रीट और आकाश हो तो मेरी। डील। यार ये कितनी सुंदर है, कितनी स्वीट है। कल रात डिनर पे तो बहुत हुआ, काम कर चल। अबे जब भी मैं अश्विता के बारे में बात करता हूँ तो तू इतना जलता क्यों है? जिंदगी में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तूने उसे अपना ब्रांड मॉडल बना दिया। लोग उसका चारा देख के सामान खरीदने भी नहीं आएंगे। मैं तेरे साथ सालों से हूँ, मेरा चारा होर्डिंग्स पर क्यों नहीं लगता? मुझे वो पैकेट देना जल्दी। ठीक है, मैं तुझे माफ करता हूँ, पर फिर भी ठीक से सो, ये काम करेगा? क्यों काम नहीं करेगा? अश्विता डॉक्टर है, तुझे लगता है वो समझेगी जो तूने अपने बाप के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं और तेरे साथ इस दुकान में बस जाएगी? तूने अपनी पीजी और पीएचडी कॉरेस्पॉन्डेंस से की है, तू समझदार है और होशियार भी, वो तुझे यहाँ काम करने देगी। और सबसे बड़ी बात, तेरा बाप तो उसे डरा कर पागल कर देगा। बाबा हमेशा से ऐसे नहीं थे। मेरी माँ लोकल प्रोटेस्ट कर रही थी जब उनकी मौत हो गई थी और तभी से उनका ये डर शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा उनको कॉम्प्लेक्स फोबिया हो गया है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए जब तक वो जिंदा है मैं अपनी जिंदगी सिर्फ उनके हिसाब से।
दवा पिलवाई थी। मेरी बीवी की ड्यू डेट आ गई है, वो मुझसे पूछती है कि हॉस्पिटल का बिल क्यों नहीं भरा अब तक, मगर उससे तो मैं अपनी हालत बता ही नहीं सकता ना कि यहाँ पर क्या चल रहा है। आपको क्या मालूम, मरना है बस मुझे यहाँ पर। उसकी बीवी लेबर में थी, वो अगले हफ्ते ही घर जाने वाला था। हे भगवान, पैसे की चिंता नहीं, बस मुझे अपना पासपोर्ट वापस मिल जाए और मैं यहाँ से वापस दूर अपने घर जा पाऊँ। सूर्या, मैं इसके पिता को क्या जवाब दूंगा, वो अपने बेटे को सिंगापुर जाने से मना कर रहे थे, फिर उन्होंने उसकी जिम्मेदारी मुझको दी, मैं उन्हें क्या बोलूंगा। सूर्या, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। अब हम क्या करें, सूर्या सब मर गए, अब मैं क्या करूंगा। सिरंगुन तमिल कम्युनिटी में गैस लीकेज से हुआ एजेंसी में धमाका, 11 लोगों की मौत हुई है और 5 क्रिटिकल केस आए हैं। गैस लीकेज का कारण किसी को भी नहीं पता, पुलिस गैस एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गवर्नमेंट मरने वाले के परिचित को 10,000 सिंगापुर डॉलर का कंपनसेशन देगी। किसी की जान की कीमत सिर्फ 5,00,000 रुपए है, इतने पैसे में तो उनकी बॉडी भी घर नहीं जा पाएगी। मेरी वजह से ही उनको ये जॉब मिली थी। सूर्य, तुम्हारा इरादा तो नेक था ना, किसे पता था कि ऐसा कुछ हो जाए। 11 मासूम आदमी जो मेहनत करके पैसे जमा करके अपने परिवार को घर भेजते थे। कोई फ्यूचर नहीं देख सकता यार, हम भी मुश्किल से बचे हैं। वो सब तो हॉस्पिटल या मॉर्चरी में होंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया होगा। चलो चले। बाबू, मैंने घर में खाना बनाया है, बाहर खाना दे दो। ओके अंकल, चलो चले। एक गाड़ी रोक, यहाँ हम यहाँ क्यों रुक रहे हैं? एक मिनट। हे, भैया आपने सारी बॉडीज मॉर्चरी पहुंचा दी, तो इसे यहाँ पर क्यों छोड़ दिया? अरे रे, ये कुत्ता तो ऊपर वालों का था ना, 1 घंटे पहले तक तो ये ठीक था। 1 घंटे पहले? तो क्या ये गैस एक्सप्लोजन में नहीं मरा? अभी मरा है, मैं थोड़ा सा बिजी था, कुछ देर बाद देखा तो मर गया ये। देर हो रही है, चल यहाँ से। रुक जाओ। हे, ये क्या कर रहा है? बाबू सुन, ट्रांसफार्मर के फ्यूज को निकाल दे। क्यों? जैसा कह रहा हूं वैसा कर। इस पेंट को देख, गैस लीकेज एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने सोच समझ कर ही सब कुछ किया है। इस पेंट का गैस लीक से क्या कनेक्शन? पेंट के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किया गया है। अपने एरिया में जोसेफ की गैंग पेंटिंग करती है, उसकी परमिशन के बिना दीवार को कोई छू भी नहीं सकता। अभी वो कहां पर मिलेगा? जोसेफ, जोसेफ मैं आराम से पूछ रहा हूं, मैं जानता हूं कि सब तूने किया है, इतना बता कि क्यों किया ये सब, बता अभी। प्लीज मुझे मारना मत, मैं गांजा पीता हूं, तू मुझे जान से मार दे, तू मुझे जानते हो,
अगर मुझे कोई अच्छी कीमत देता है तो मैं उससे कोई सवाल नहीं करता हूँ। एक आदमी ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट किया था, मैं उसका नाम भी नहीं जानता। उसने मुझे $10,000 देने को बोला। मैंने वो किया जो उसने बोला था। उसने क्या बोला था? उसने मुझे एक बिल्डिंग पेंट करने को बोला था और मैंने किया, और कुछ नहीं। पूरी बात बता। बताता हूँ, मुझे मारो मत। उसने मुझे मेरे रेगुलर पेंट में एक मुरियाटिक एसिड मिक्स करने को बोला था। मुझे नहीं पता था कि उसे पूरी गैस पाइप लीक हो जाएगी और बिल्डिंग में धमाका हो जाएगा। तो उसने पैसे कैसे भेजे? उसने मुझे लिस्ट दी और कहा कि ये खरीद ले। जब मैंने उन्हें खरीद के डिलीवर किया तो वादे के मुताबिक मुझे पैसे डस्टबिन में मिल गए। वो पैसे लेके भाग गया। मुझे वो लिस्ट दे, जल्दी कर। सॉरी सर। बैठो बैठो। मुझे लगता है उसे और कुछ नहीं पता, पर हमेशा की तरह वेरी ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन। सर, उसे बिल्डिंग्स की सारी गैस पाइप्स की एग्जैक्ट लोकेशन और पूरी डायमेंशंस पता थी सर। ये सब कुछ प्लान किया गया है सर, पर इस अटैक का कारण समझ में नहीं आ रहा। सर, ये टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है। वो अभी भी राज है। इससे ये तो पता चल जाता है कि उसे एक्सप्लोजन की अच्छी नॉलेज है, जिससे उसने इसे एक एक्सीडेंट दिखा दिया। नॉर्मली टेररिस्ट भीड़ भाड़ वाली जगह पर होते हैं, यहाँ ज्यादा लोग रहते हैं। सर, आपने क्या ये लिस्ट देखी जो मुझे उससे मिली थी? सर, ये सारे के सारे वायरलेस हैकिंग टूल्स हैं सर। उसने ये सब हमारी कम्युनिटी के सामने छोड़ा है सर। उसने किसी खास कारण से हमारे एरिया को चूज किया। सर। यस। एंजल्स न्यू ट्रैवल प्लान, वी नीड टू अकोमोडेट। ओके। अगर हमें और कुछ मिलता है तो जरूर बताएं। ठीक है सर। सूर्या। सर। वन मिनट। यू कैन गो। यस सर। एक्चुअली रूल्स के अकॉर्डिंग हम ये किसी बाहर वाले से डिस्कस नहीं कर सकते, पर तुम एक्सेप्शन हो। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अरुंधति मोहन को जानते हो? वो सिंगापुर आ रही हैं। हमें उनका ट्रैवल रूट एक महीने पहले ही मिल गया था, और कल के एक्सीडेंट के बाद और तुम्हारे लोगों की मौत के बाद उन्होंने अपने प्लान चेंज किया। वो वहाँ जाकर लोगों को हौसला देगी और सिंगापुर गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है, तो वो तुम्हारे एरिया में रुकेंगी सिंगापुर मिनिस्ट्री में जाने से पहले। मुझे लगता है यहाँ का एक्सीडेंट और उसका वहाँ जाना दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन है। सर, तो क्या आप उन्हें यहाँ आने से रोक नहीं सकते हैं क्या? मेरे पास पक्का सबूत नहीं है। मैं इस केस की कंप्लीट डिटेल अपनी हायर अथॉरिटी और इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर्स को दे दूंगा, बाकी सब उनके हाथ में है। वो कब आ रही है सर? कल सुबह 9 बजे। आइए मैडम। गुरुम, गुरुम, मैम वेलकम टू सिंगापुर। तमिल चैनल की हैं आप? जी मैम, तमिल में इंटरव्यू ले सकती हैं। आपने शुरुआत फीमेल सोशल एक्टिविटी के लिए की है और फिर आपकी हर्ट सर्जरी भी हुई है, और अब आप इस डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में फॉरेन के मिनिस्टर भी बन गई हैं। हमें आप पर बहुत गर्व है मैडम, क्या आप हमें यहाँ आने का कारण बता सकती? धन्यवाद। सिंगापुर और भारत बहुत मजबूत रिश्ता बनाते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। दोनों देश ये भी चाहते हैं कि उनका देश आगे बढ़े और खूब तरक्की करे, तो मैं यहाँ सिंगापुर में कुछ अग्रीमेंट्स पर साइन करने आई हूँ। हमने सुना है चाइना इस एग्रीमेंट के खिलाफ है। जब कोई दोनों देश अच्छा काम करेंगे तो उनके बीच बाधाएं तो आएंगी। आप तमिल कम्युनिटी में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे काफी दुख हुआ, आधे से ज्यादा लोग जवान आदमी थे। मैं यहाँ के लोगों से मिलकर अपना दर्द बांटना चाहती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन कहाँ है, दुनिया भर में उन्हें कोई भी दुख है तो हमारी गवर्नमेंट है उनके लिए, फिर चाहे वो कोई भी इंडियन क्यों ना हो, मैं हमेशा उनकी मदद करूँगी। थैंक यू मैम। एंजल के प्लान में कोई बदलाव नहीं है, अगर उनकी जान को जरा भी खतरा हुआ तो वो इंडिया वापस चली जाएगी। सर, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हैकर्स की धमकी के चलते हमने एंजल्स रूट के सभी सिग्नल को जैम कर दिया है, हमारी सैटेलाइट्स पर नजर है। Yes, ma'am. मेरी फोन में सिग्नल नहीं आ रहा, क्या तुम देख सकते हो? मैडम, सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है, आपका मोबाइल हैक हो सकता है। होटल के रीच में मोबाइल या दूसरे गैजेट्स यूज नहीं कर सकते। सिंगापुर में ऐसे थ्रेट को पकड़ना मुश्किल है। क्या कर रहे हैं? चल दुकान पे वापस चलते हैं। हमारा काम यहाँ पर भी है। क्या? कुछ तो होने वाला है। तो तुझे क्या हमें भी उसका हिस्सा बनाना है? हमें जितना पता था तूने उस आदमी को बता दिया है ना? इस जगह पर पुलिस और मिलिट्री भरी पड़ी है, हमारे यहाँ कोई काम नहीं। किसी ने हमारी आंखों के सामने हमारे लोगों को जान से मार दिया और तू चाहता है कि मैं कुछ ना करूं?
हाँ बोलो। इन सबसे सैटेलाइट सेट नहीं किया जा सकता। तो क्या हो सकता है? इनमें से ज्यादा इक्विपमेंट्स मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होता, शॉर्ट रेंज आइटम्स। मेरे हिसाब से हैकर करीब 100 मीटर के रेडियस में होगा। 100 रेडियस? तू कर क्या रहा है? एक मिनट रुक। सबको मेरा नमस्कार। जो हादसा यहाँ हुआ है उसका मुझे बेहद अफसोस है। मैंने सिंगापुर गवर्नमेंट से इस हादसे की जांच करने की अपील की है और विक्टिम्स के घर वालों को मुआवजा देने की बात भी की है। आपको जो भी मदद चाहिए हमारी सरकार वो सब मदद आपको मुहैया कराएगी। सर, सर ये हमारे पड़ोस से है, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। एक मिनट बात करने दीजिए सर। That is a problem now. हम जानते हैं तुम दोनों ने कल भी बात की थी। I'm sorry, I have to do this. सिचुएशन को टेक ओवर करने की ऑर्डर है मेरे पास। You need to be detained. सुना है किराने की दुकान चलाते हो? एम बिल्कुल परफेक्ट है। कहाँ ट्रेन हुए? ISIS? लश्करे तोयबा? सर आप यहाँ जो एक एक सेकंड बर्बाद कर रहे हैं उतना ही किलर को हमसे दूर भागने का मौका मिल रहा है। मिनिस्टर को मारा है, स्पॉट पर तुम्हारे पास गन थी और तुम कह रहे हो खूनी कोई और है। ठीक 2 मिनट के बाद आपका फोन बजेगा और उसके बाद आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। डू इट। ऑर्गेनाइजेशन है, कब से प्लानिंग चल रही है बताओ। यस डॉक्टर। या यू गो अहेड सर। मैडम इज स्टेबल। हमने बुलेट निकाल दी है, शी इज सेफ। Thank God. पर खास बात तो ये है उन्हें गोली मारने वाले ने उसकी जान नहीं ली, उन्हें बचाया है। What? थोड़ा ठीक से समझाइए डॉक्टर। मिनिस्टर को हेल्थ प्रॉब्लम के चलते पिछले साल उनके दिल में एक पेसमेकर फिट किया गया था। डॉक्टर के पास एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ पर उन्हें कंट्रोल करने का ऑप्शन होता है।
उनके हार्ट में नया पेसमेकर फिट करते हुए हमने पुराने डाटा का एनालिसिस किया। नॉर्मली हमारा हार्ट रेट 70 से 100 के बीच रहता है, पर जब उन्हें गोली लगी तब उनका हार्ट रेट 200 के भी ऊपर था। This is quite unnatural. किसी ने उनके पेसमेकर को हैक किया था। Is it possible? पेसमेकर को हैक किया जा सकता है? सर, 2010 में जब US के वाइस प्रेसिडेंट की जान को खतरा था तब उन्होंने उनके पेसमेकर का वायरलेस कंट्रोल बंद कर दिया था। So it's very much possible. जिस आदमी ने मिनिस्टर पर गोली चलाई है उसे ऐसा कुछ पता है जो हम नहीं जानते। उसने बिल्कुल एक्यूरेट एम से पेसमेकर को निशाना बनाया था। मुझे अभी अभी पता चला कि तुमने हम पर कितना बड़ा एहसान किया। I'm sorry, but I need explanations. मुझे ग्लास पानी चाहिए। What? मुझे ग्लास पानी चाहिए। मिनिस्टर के लिए प्लान किया गया तुम्हारा पहला रूट बिल्कुल सेफ था। वहां उन पर हमला करना बहुत मुश्किल था, लेकिन तुम्हें उस रास्ते से डाइवर्ट करने के लिए उसने हमारी तमिल कम्युनिटी में गैस ब्लास्ट करवाया। मुझे पता था कि मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने भगवान का नाम लिया और बंदूक से गोली चला दी, पर इन सब के पीछे जिसका हाथ है, आप चाहे तो उसे अब भी पकड़ सकते हैं। उसे पकड़ना मुश्किल नहीं है सर। बोलो। एक कप चाय। मेरे हैकर दोस्त ने मुझसे कहा था इक्विपमेंट की रेंज बस 100 मीटर तक ही है। इसका मतलब ऑपरेशन 100 मीटर के अंदर से ही कहीं से किया गया है, और हो सकता है कि वो उसका कोई प्राइवेट स्पेस हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनके पीछे जो ग्रैंड होटल है वो इस सब के लिए अच्छे से फिट हो रहा है। उसके 11th फ्लोर में इलेक्ट्रिक वायर्स भी हैं, जिससे 12th फ्लोर से कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। उनके लेआउट के बेस पर वो राइट विंग के 3 कमरों में से किसी एक में होगा। हम अभी गए तो उसे पकड़ सकते हैं सर। ये कोई जोक है क्या? इतना सब होने के बाद भी वो वहां क्यों रुकेगा? उसका सिग्नल कैसे कटा ये सोचकर वो अपना सर पीट रहा होगा, और अभी उसे सेफ रहना होगा, इसलिए वो निकलकर कहीं नहीं जाने वाला। वो एक टूरिस्ट जैसे यहाँ वहाँ घूमेगा और कल मौका पाके चेकआउट कर लेगा। सर, टेक योर टीम एंड गो। यस सर। स्लो पर आ रहे मिनिस्टर सिक्योरिटी टीम। मैं भाग नहीं सकता और मैं भागूंगा अभी नहीं। मैं इतने बड़े मिशन में फेल हुआ हूँ। लाइफ में पहली बार पुलिस ने मेरे किसी क्राइम को डिटेक्ट किया है। इस सब के पीछे जिसका दिमाग है मुझे उससे आमने सामने मिलना है। इनिशिएट प्लान बी। 101 वो हमारे पीछे है सर। Suspect confirmed. I repeat, suspect confirmed. Room number 1203. सारे मिले सबूतों को पुलिस हेडक्वार्टर भेज रहे हैं। मीरा कैसी है? छह महीने पहले तेरी उससे शादी हुई है ना? It's better you don't open your mouth. रिमांड है, इसकी वाइफ अपनी आईटी कंपनी के फूड कोर्ट में लंच कर रही होगी। अभी भीड़ वाली जगह, कुछ भी हो सकता है ना? ए, तूने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो गोली मार दूंगा सीधा, समझा? पर हमारी 6 साल की बेटी, अगर वो स्विमिंग पूल में डूब गई तो एक्सीडेंट जैसे लगेगा ना? किसी को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। जो इंसान इतना बड़ा प्लान बना सकता है उसे क्या मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम के मेंबर्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा? मैं ये प्लानिंग महीनों से कर रहा था। मेरे आदमी सारी लोकेशन पे वेट कर रहे हैं।
अगर मेरा मैसेज उनके पास नहीं पहुंचा, सबकी फैमिली का एक मेंबर मरेगा क्या? और बैंक एम्प्लॉय की पत्नी, वो ड्राइवर शर्मा की माँ जो ओल्ड एज होम में रहती है, आज ही मारे जाएंगे। अपनी फैमिली को बचाने के लिए तुम सबके पास एक चांस है। अगले 800 मीटर में हम एक टनल में एंटर करेंगे। मेरे एक आदमी ने अपना होलिया बिल्कुल मेरे जैसा बनाया हुआ है, मेरे बदले उसको अपने साथ ले जाओ। ये बात तुम 6 लोगों के अलावा नहीं चलेगी। सिंपल, कोई भी फैसला करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। टनल क्रॉस करने के बाद मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। चीफ, मेरी वाइफ। गाड़ी रुकवाओ। भरत, स्टॉप द कार। अभिषेक, गठप्पा लगाकर इस केस को भी क्लोज कर देना। जवाब चाहिए। एक परफेक्ट प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद भी तुमने मुझे मेरे होटल रूम में आके पकड़ा है। ये केस किसने क्रैक किया? सिंगापुर पुलिस? ओह, ये तुम्हारे जैसे किसी इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर ने? दानू, वो लिटिल इंडिया में एक ग्रोसरी स्टोर चलाता है। किराने वाला? हम अभी 4 लोगों के पेपर्स का वेट कर रहे हैं, उनमें से 2 पासपोर्ट भी एक्सपायर है। हम उनकी बॉडीज आपको कैसे दे सकते हैं? प्लीज अंडरस्टैंड सर। प्लीज, मरे हुए लोग अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? उनके घर पर उनके घर वाले परेशान हो रहे हैं सर। आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए मैं ला कर दूंगा। आप पहले उनकी बॉडीज को रिलीज कीजिए सर। दिया तो तुम्हें एयरपोर्ट पर रोक दिया जाएगा। हमें भी उनकी बॉडी के साथ पार्टी नहीं करनी। ए, जबान संभाल के बात कर। छोड़ मुझे, छोड़। क्या बकवास कर रहा है ये? बस हमें यहाँ से वहाँ गोल गोल घुमा रहा है। जीने के लिए हमने अपने देश छोड़ा, ये यहाँ भी चैन से जीने नहीं देंगे और ना चैन से मर नहीं देंगे। देख, ऐसे होपलेस मत हो, यहाँ चिल्लाने से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ईश्वर मूर्ति सर के पास फोन करके देख। कुछ देर पहले मिली रिपोर्ट्स के अनुसार अरुंधति को मारने की कोशिश करने वाले अलकायदा टेररिस्ट राशिद को पुलिस ने पकड़ लिया। तूने कितना बड़ा काम किया है। तू नहीं होता ना तो ये लोग इसे कभी पकड़ नहीं पाते। हारने के बदले भी तुम्हें प्राइज मिलने लगे तो तुम्हें जीतने की भूख खत्म हो जाती है। अपना प्राइज तुम्हें कमाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले मैं तेरे बाप रिस्क रामलिंगम से मिलके आया हूं। इस चॉकलेट के लिए भी तूने मुझसे पैसे लिए। इन 25 सालों में भी कितना कुछ बदल गया। अभी वैसा ही है ना? ये 5 स्टार चॉकलेट अभी वैसी है। मैं अब तक 53 हाई प्रोफाइल असाइनमेंट्स कंप्लीट कर चुका हूं और आज तक किसी के हाथ मेरे अगेंस्ट कोई क्लू नहीं लगा है। लेकिन मुझे ट्रैक कर लेता है मेरे होटल रूम तक और मुझे पुलिस की गाड़ी की सवारी करनी पड़ी। इस काम को अंजाम देने वाले जीनियस से मिलकर मुझे उसके भेजे में गोली उतारनी थी, पर मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम निकलोगे। तुझे हमारे वो आखिरी दिन याद है? हम पुलिस स्टेशन की बेंच पर एक साथ ऐसे ही बैठे हुए थे। पीछे की सेल में 5 मुजरिम थे, एक राइटर, 2 सब इंस्पेक्टर। घड़ी में 4:45 हो रहे थे। तूने लाल रंग की टी शर्ट और काले रंग का स्वेटर पहना हुआ था और तेरा बायां जूता खुला हुआ था। मुझे तो लगा था कि किराने के दुकान पे काम करते करते दिमाग में जंग लग गया होगा। तेरा ध्यान इतनी बारीकियों पर चला गया, लेकिन नामकन था कि तेरा ध्यान सबसे जरूरी चीज से हट गया। मैं ये बात तुझे पुलिस स्टेशन में बताना चाहता था। तेरे पास अब कोई मूव नहीं है, चेकमेट। राजीव, डैड बुला रहे हैं, मैं अभी आया।
ये सब क्या है? डैड, मैं खुद ही आपको दिखाने वाला था। आपने मुझे फोटोग्राफी मेमोरी के बारे में बताया था ना? बहुत इजी है डैड। चैरिंग क्रॉस रोड पर एक जगह है, वहाँ एटीएम नाम की कोई नई मशीन लगी है। जब लोग उसमें से पैसे निकालते हैं, मैं शीशे के रिफ्लेक्शन में उनका पिन नंबर नोट कर लेता हूँ। 30 मिनट में 30 पिन नंबर, आप तो जानते हैं मैं 1 घंटे में 100 नंबर याद रखता हूँ। उसके बाद मैंने उनका पीछा किया और उनके कार्ड्स चुरा लिए, जो स्टेल्थ ट्रेनिंग आपने मुझे दी थी उससे। डैड, यू रास्कल, मैंने तुझे ये सब क्रिमिनल बनने के लिए सिखाया था। एक पुलिस ऑफिसर बनाना चाहता था। तेरे जैसा शैतान हमारे घर में कैसे पैदा हो गया? पुलिस को बुला रहा हूँ। डैड, नहीं, पुलिस को मत बुलाइए। डैड, मैंने इतने सारे पैसे कमाए हैं, आप मुझे चॉकलेट देने की बजाय पुलिस को बुला रहे हैं। ये पैसा क्या तूने कमाया है? रास्कल। डैड, पुलिस स्टेशन में फोन मत करो प्लीज। सूर्या कुछ करे तो वो जीनियस है, मैं कुछ करूँ तो पुलिस को बुलाऊंगी। क्रिमिनल, बताओ उससे बुरा क्या है? मुझे तेरी गलती का एहसास भी नहीं है। डैड, पुलिस को मत बुलाओ, मुझे ये पैसे चाहिए। डैड, डैड रुक जाइए, पुलिस को फोन मत कीजिए। मैंने तुम्हें समझाया था कि नहीं? बोला था ना पुलिस को मत बुलाओ। तुमसे अपने बेटे की होशियारी नहीं पछती है ना? पर बात जब पड़ोस के लड़के की आती है, वेल डन सूर्या, वेरी गुड सूर्या। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये सूर्या मुझसे बेहतर रैंक ला सकता है? इन 2 महीने में इसने इतना कुछ सीख लिया है जो मैं अपने बेटे को सालों से सिखा रहा हूँ। पुलिस एकेडमी ज्वाइन की तो उसकी रैंक मेरे बेटे से बेटर ही निकलेगी। लड़का बहुत टैलेंटेड है। 5 लाख रुपए, वो इतने पैसे बना सकता है क्या? जाओ जाके पूछो उससे। क्राइम सीन पर आते वक्त पुलिस सबसे पहले क्या देखती है? आदमी वहां घुसे और उन्हें मार दिया। हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। राजीव, आज तक मैं तुझे ढूंढ रहा था, तुझे लेटर्स भी लिखे, तेरा फोन नंबर भी ढूंढा, तू कहां गया किसी को कुछ नहीं पता चला। तुझे अपना दोस्त मानता था मैं, तुझे बहुत मिस किया। तुझे ऐसा कभी नहीं लगा? तुझमें अब भी वैसा ही ईगो है और उसी ईगो में आकर तूने अपने बाप को ही मार दिया और अब तेरे बुरे दिन शुरू हो गए। बेवजह तूने इनोसेंट लोगों की जाने ली है राजीव। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू नहीं बचने वाला, सिंगापुर की जेल में सड़ेगा। अब देख क्या होता तेरे साथ। तुमने जेल कहा क्या? ब्रदर, इस मुझे तेरे पास ले आई और यहाँ तक लिफ्ट भी दी। बचपन में तो हमारे बीच जीता करता था, पर तू अभी किराने की दुकान चला रहा है। तुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं कितना बड़ा बन चुका हूँ। यहाँ कब कौन कैसे मरेगा, इस सबका हिसाब किताब मेरे हाथ में है। हाँ, मैं किराने की दुकान चलाता हूँ, पर फिर भी तुम उससे हारेगा। तो अब भी उसी टाइम में जी रहा है? यह हमारे बचपन का खेल नहीं है। यस, इस दुनिया में मैं तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तुझे प्रूफ चाहिए क्या? तू बस तमिलियन लोगों का राग बजा रहा है। उन लोगों के बहुत तो मेरे असाइनमेंट का बस एक छोटा सा हिस्सा था, पर अब मैंने उन सबको मारने का प्लान बनाया। मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, आज शाम 6 बजे मैं साबित कर दूंगा सिंगापुर में तेरी प्यारी तमिल कम्युनिटी में से मैं किसी चाहने वाले को मार दूंगा। जब तक ये कर नहीं देता मैं, तू रोक सकता है मुझे? पूजा
I told you, I didn't trust him. You Indians are useless. What are we going to do now? Yes, start something. This mission is a failure. We understand. But most importantly, our involvement should not exist. I want to call for a vote. Who wants to eliminate him? Thank you. मुझे दुकान बंद करने के लिए बोल के तू खुद कहाँ गया बे? ये तेरा 25 साल पुराना दोस्त कौन है भाई? चल क्या रहा है? ये गेम है। गेम है? एक काम कर, नोटपैड उठाओ और एक लिस्ट बना जो मेरे पास है और या मेरे करीब है। हाँ बता बाबू। लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा ही नाम है। तुझसे ऊपर कौन होगा यार? थैंक्स बड़ी। ये लिस्ट तू क्यों बना रहा है? कुछ नहीं यार, तुझे बोला ना, बस एक गेम खेल रहे हैं। इस लिस्ट में से वो किसी एक को मारेगा, उसने ऐसा मुझे चैलेंज किया है। क्या तूने भी मर्डर कहा ना? ए, ये गेम तुम दोनों के बीच का मैटर है, या तो तू उसे मारे या वो तुझे। अपने इस गेम में मुझे क्यों फंसा रहे हो? तेरा ये मैटर सुलझाने तक मैं तो अपनी चाची के घर जा रहा हूँ। ए, तू जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना रिस्क है, जितना पास रहेगा तो उतना सेफ है। अब जो तेरा मन करे वो कर। मैं चला गया तो मेरा बचना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, मैं तेरे साथ ही सेफ रहूंगा, पर तू बाकियों को कैसे बचाएगा? उसने शाम 6 बजे तक का टाइम दिया है, पर मैं लिस्ट के सारे लोगों को शाम 5 बजे तक एक साथ इकट्ठा कर लूंगा। ऐसा करना क्या पॉसिबल है? पहले तू लिस्ट कंप्लीट कर यार। नंबर 2 बाबा, नंबर 3 अश्विता, नंबर 4 ब्रदर रमेश। कुल मिला के 230 लोग हो गए, इनमें से 190 हमारी कम्युनिटी से, बाकी के 30 लोग शहर के बाहर। अब तू इन सबको एक साथ कैसे बचाएगा? बताता हूँ। हे सूर्या। हाय श्विता, क्या तुम मिल सकती हो? कब मिलना है? 4 बजे मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। ठीक है, तो तेरा प्लान उसके साथ रोमांस करने का है? hey, तुझे समझ में नहीं आया क्या? एंगेजमेंट के लिए मुझे उसे पर्सनली इनवाइट करना होगा। एंगेजमेंट? अश्विता और मेरी। ये तो क्या बोल रहा है? एक सरप्राइज है ब्रो, आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, 230 लोगों को कॉल करके यहाँ आने के लिए बुला ले, समझ गया? और लिस्ट में नाम क्या टिक लगा दे। कैसी लिस्ट भाई? नमस्ते अंकल, आपका नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है? ये कोई लकी ड्रॉ है? वैसा ही है, मैं लकी निकला तो आप जीते, आप लकी निकले तो मैं जीता। अरे तेरी कल की अब तक उतरी नहीं क्या? तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे जीतने दूंगा? लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? ओह, तुझसे बड़ा मैं हूँ, सीनियर सिटीजन की कुछ तो इज्जत कर। लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर लिख, लाभी डाल ना। अंकल का नाम ऊपर डालो। मेरा नाम ऊपर डालने में क्या परेशानी है? परेशानी ही तो है। मान ले कि तेरा बाप ही नंबर वन है, मैं इस गधे को। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। बिल्कुल अभी तू बीच में मत बोल। बाबा आप समझो तो, मेरी बात तो सुनिए एक बार आप। मैं और श्विता एंगेजमेंट करने वाले हैं। तू आज अश्विता से एंगेजमेंट कर रहा है? मैं लंच करने क्या गया, तूने अपनी सगाई का फैसला ही कर लिया? इतनी जल्दी क्यों की? आपको पसंद नहीं है तो आप कैंसिल करवा सकते हैं। ए यार, तू एक काम कर, वेडिंग हॉल कैंसिल कर दे, अभी कर दे। कोई बात नहीं बाबा, आपको पसंद नहीं है ना, कैंसिल कर दे। जरूरत नहीं है, एक थप्पड़ पड़ेगा समझा? तू मुझे थोड़ा पहले बता देता तो मैं थोड़ा अरेंजमेंट कर लेता बेटा, तूने मुझे ऐसे ही झटका दे दिया। तेरी सगाई है तो मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा? सूर्या की एंगेजमेंट हो रही है, मैं केक लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। हां, होटल 17 से बात हो गई है, वो स्कूल एक्सकर्शन पे गई है।